So hi guys, it's me Arya and welcome back to our channel Arya Dev Children and he's my brother Dev. Hi guys. Hope you all are good and doing fine. So abhi maine just ek vlog end kiya hai jo ki 19th of June ko maine shoot kiya hai. Ye bhi maine 19th June ko start kiya hai aur isko main end karungi 20th June ko yani ki kal. So yeah, abhi main ja rahi hu isse pehle wale vlog ko edit karne और फिर मैं उसको अपलोड कर दूंगी और अपलोड जब आज ही वो अपलोड हो जाएगी. सो यस, की प्रिपरेशन आपको फादर्स डे से पहले ही मिल जाए वो वाली वीडियो. सो यस, अभी मैं जाती हूँ एडिट करने. और देव, अब तुम क्या करोगे? मैं सोने जा रही हूँ क्योंकि कल मुझको बलून फुलाने हैं, बहुत कुछ काम करना है. सो यस, और अभी हम लोग को डिनर करने का बिल्कुल भी मन नहीं है. रोल खा के हम दोनों का पेट भर गया तो सिवई बनी है. सिवई बनी है अगर हम तो सिवई बनी है तो अगर हमको रात में भूख लगी तो हम सिवई खा लेंगे. ओके. सो गाइज, अभी बज रहे हैं 11 और पापा और मम्मा सो गए. मैं, दादी और देव. दादी तो अभी हमारी वीडियो देख रही हैं जो इससे पहले आई थी, तो अगर आपने भी नहीं देखी तो जाके देख लो. सो हाँ, अभी मैं धीरे धीरे बात कर रही हूँ जिससे पापा अम्मा ना जग जाएं. तो अभी जैसे 12 बजेंगे हम लोग 12 बजे तक जगेंगे और जैसे ही 12 बजेंगे मैं वीडियो भी बनाना स्टार्ट कर दूँगी. मैं यहाँ के फ्रिज में चॉकलेट रखी है, चॉकलेट लेके जाऊँगी और फिर पापा को जगाएंगे, देखेंगे क्या करेंगे. सो यस, तब तक मैं अभी चाहती हूँ दादी के साथ कुछ लूडो वूडो खेल लेती हूँ तब तक थोड़ा बहुत. और हाँ, जैसा होता है मैं आपको दिखाती हूँ. सो गाइज, हमको जो मिडनाइट सेलिब्रेशन करना था उसमें हम उठ ही नहीं पाए बिकॉज मतलब हम लोग इतनी गहरी मिस हो गए थे उस टाइम पे कि पता ही नहीं चला 12 बज गए, जबकि मैंने टाइमर भी लगाया था अपनी वॉच में, वो रिंग भी किया, लेकिन तब मैं इतनी गहरी नींद सोई थी मैं उठ ही नहीं पाई. बट कोई बात नहीं, मैंने सुबह उठ के जैसे ही मैं उठी, पापा उठे, मैंने पापा को सबसे पहले चॉकलेट दी और देव ने भी चॉकलेट दी और हम लोगों ने अपने कार्ड्स दिए पापा को. मैंने जो चारों बनाए थे वो सब चारों दे दिए मैंने. और अभी क्योंकि जो शाम को मैं केक वेक बनाऊँगी, डेकोरेशन करूँगी थोड़ी बहुत, सो उसके लिए भी मेरे को एक कार्ड चाहिए, तो वो मैं कार्ड अभी बनाने जा रही हूँ. सो यस, लेट्स आप अभी मैं घर में थोड़ी सफाई वफाई हो रही है. सो यस, मैं थोड़ा सा मम्मा की हेल्प कर देती हूँ और उसके बाद मैं कार्ड बनाती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ. सो फ्रेंड्स, अभी पापा जा चुके हैं, मतलब पापा को थोड़ा बहुत काम था तो पापा जा चुके हैं और अभी हमारी डेकोरेशन भी स्टार्ट हो गई है. और डेकोरेशन करने के बाद मैं बात लूँगी क्योंकि फिर पापा अगर आ जाएंगे तो फिर डेकोरेशन अच्छे से हो नहीं पाएगी. सो यस, अभी हम डेकोरेशन कर रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ. और प्लूटो डर रहा है इसलिए वो बात कर रहा है और सिर्फ अभी तक 2 बलून्स फूल हैं, देख सकते हो. सो यस, और मैं अभी आपको दिखाती भी हूँ कि कैसे क्या डेकोरेशन हो रही है. तो यहाँ पे बलून फुलाने की कोशिश कर रहा है लेकिन फुला नहीं पा रहा है. और यहाँ पे मम्मा गांठ लगा रही हैं और फुला भी रही हैं. और यहाँ पे प्लूटो डर रहा है. फ्रेंड्स, मैं काफ़ी टाइम से मतलब रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं ये सब मतलब डेकोरेशन करने में मम्मा की हेल्प कर रही थी, देव की भी. सो हाँ, और अभी मैंने बाथ भी ले ली थी. सो यस, मैं आपको दिखाती हूँ डेकोरेशन. अभी तो काफ़ी कम हुई है और मदर्स डे का बैनर भी लगा हुआ है. अभी मेरे को फादर्स डे का बनाना है तो वो मैं बनाऊंगी अच्छे से. अभी अभी शाम को हम करेंगे, अभी तो फिलहाल जा रहे हैं हम केक बनाने, तो केक का आपको दिखाएंगे, उसकी रेसिपी भी बताएंगे. सो हम बनाएंगे चॉकलेट केक. सो मेरे को बस मम्मा से थोड़ा बहुत पूछना है कि कैसे क्या होगा
और फिर मैं बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी। सो यस, पहले डेकोरेशन को चेकआउट करो। सो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसी डेकोरेशन हमने की है। हाँ, मैं जानती हूँ बलून्स काफ़ी ज़्यादा कम लग रहे हैं, बट हमने काफ़ी ज़्यादा लगाए थे, बट सारे फूट ही गए, तो हम क्या करें। और फिर ये माधव जी का भी बैनर लगा हुआ है, होप आप देख पा रहे होंगे। यस, तो अभी इसको इसकी जगह पे हम लगाएंगे फादर्स डे का बैनर। सो यस, ऐसा कुछ है। और अभी थोड़ा बहुत हम डेकोरेट करने की ट्राई करेंगे कि थोड़ा सा अच्छा बना ले इसको। सो यस, और हाँ, मैंने पापा के लिए एक और चीज़ बनाई थी, मैं आपको दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने ये कुछ ऐसा बनाया था जिसमें मैंने बहुत सारे हार्ट्स बनाए हैं और इसके अंदर फ्राइज करके मैंने कुछ बनाया था। सो यस, इसके अंदर काफ़ी सारी फ्राइज हैं, उसमें सब लिखा हुआ है कि डैड यू आर द बेस्ट, यू आर केयरिंग, ऐसा कुछ देख पा रहे होगे, रियली स्मार्ट एंड लविंग और ये तो लास्ट वाला था, अ ग्रेट डैड। मैंने इसके ऊपर लिखा हुआ भी है कि जब भी पापा देखें तो पापा को ये दिख जाए कि ये लास्ट वाला है, तो पापा लास्ट में इसको पिक करेंगे। और फर्स्ट वाले में मैंने फर्स्ट डाल दिया है और भी काफ़ी सारी ऐसी फ्राइज हैं। सो यस, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये चाहिए कि मैंने इसको कैसे बनाया तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी कि मैंने कैसे बनाया। सो यस, ऐसा कुछ मैंने बनाया है, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। हमारा 30 मिनट बाद केक बिल्कुल रेडी हो गया और कितना स्पॉन्जी आप देख सकते हैं। केक की डेकोरेशन हो गई है, कुछ ऐसा बना है, वो आप देख पा रहे होगे, मैं नहीं देखा। सो अब मैं मिलती हूँ आपको केक कटिंग टाइम पे। इन सारी डेकोरेशन कंप्लीट हो गई है और ये कुछ फाइनल लुक है। हमने और कुछ डेकोरेट नहीं किया है, बट रूम की लाइट्स ऑन कर दी हैं, सो अभी ज्यादा अच्छा लग रहा है। एंड हियर इज आवर केक, मैं आपको केक क्लोज से दिखाती हूँ। सो ये रहा हमारा केक, अब आप देख पा रहे होंगे तो कुछ ऐसी डिज़ाइन है और यहाँ पे लगी है पापा की फोटो। सो यस, सो फ्रेंड्स, ये सब भी डेकोरेशन है यहाँ पे देव है। सो या अब मैं मिलती हूँ आपको केक कटिंग के बाद, और केक कटिंग के बीच का मैं थोड़ा बहुत आपको दिखा दूंगी। जैसा कि आपने देखा हमारा सेलिब्रेशन कुछ ऐसा रहा। अगर आपको हमारा सेलिब्रेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपने फादर्स डे पे अपने पापा के साथ कैसा सेलिब्रेशन किया। एंड या मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और अब मैं पापा के साथ टाइम स्पेंड करूँगी, अपनी पूरी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँगी। सो यस, अब मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।